आगरा में इंडियन ओवरसीज बैंक में हुई 58 लाख की लूट की घटना के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। घटना के बाद एडीजी आगरा जोन आगरा अजय आनंद सहित अधिकारी तुरंत हरकत में आ गए और एडीजी अजय आनंद के निर्देशानुसार फिरोजाबाद एसएसपी अजय कुमार पांडे ने शाम से ही टूंडला आगरा बॉर्डर पर एफएच चौकी के पास NH2 पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर ऑपरेशन चक्रव्यूह को समय से पहले ही शुरू कर दिया। आगरा की ओर से आने वाले चार पहिया वाहन व दो पहिया वाहनों को रोककर उनकी गहनता से चेकिंग की जा रही है। जनपद में 5:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक प्रतिदिन ऑपरेशन चक्रव्यूह की कार्रवाई होती है, जिसमें सीमा पे सघन चेकिंग कराई जाती है मार्गों पे और पर्याप्त पुलिस बल लेके आज भी पड़ोसी जनपद में कोई घटना हो गई है और उसके परिप्रेक्ष्य में भी बाइकर्स गैंग की हम लोग यहाँ चेकिंग करा रहे हैं और ऐसे तो टूंडला सीओ टूंडला और मैं यहाँ उपस्थित हैं और लगातार चेकिंग करा रहे हैं यहाँ 5:30 बजे ज़्यादा गहनता से चेकिंग करा रहे हैं क्योंकि पड़ोस में एक घटना का पता चला है और उसके परिप्रेक्ष्य में कुछ दलिया वगैरह दिया गया उसको दृष्टिगत रखते हुए लोग चेकिंग करा रहे हैं। यह चेकिंग अभियान एसपी सिटी मुकेश चंद्र मिश्र की निगरानी में चलाया जा रहा है। इस दौरान एसपी सिटी मुकेश चंद्र मिश्र के साथ टूंडला SHO रामेंद्र कुमार शुक्ला के अलावा भारी पुलिस फोर्स मौजूद है। फिलहाल चेकिंग के दौरान पुलिस को अभी तक किसी भी प्रकार की कोई सफलता नहीं मिल सकी। NBC न्यूज के लिए फिरोजाबाद से रिहान अली की रिपोर्ट।